लाला जी, स्पोर्ट्स की दुनिया में ना बड़ा कम होता है कि कोई टीम कोई इवेंट जीतती है, कोई कप जीतती है, कोई ट्रॉफी जीतती है और सारी की सारी टीम रो रही हो। ये स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत कम होता है। कलेक्टिव स्पोर्ट्स जहां पर खेली जाती है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी आप नाम ले लें, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब मैंने इससे पहले ये नज़ारा कभी नहीं देखा था कि एक टीम क्रिकेट का एक इवेंट जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, ठीक है, उस टीम का कैप्टन रो रहा है, उस टीम का मोस्ट सीनियर प्लेयर रो रहा है, उस टीम के लड़के रो रहे हैं, उस टीम की मैनेजमेंट रो रही है, उस टीम का मतलब कोच वो रो रहा है, उस टीम के बैठे हुए फैंस ग्राउंड के अंदर वो रो रहे हैं। मतलब इमोशंस का आज हमने इंडिया की जीत के साथ सैलाब देखा है, सुनामी देखा है। रोहित शर्मा जमीन पर गिर के उल्टा होकर लेट रहा है, अनबिलीवेबल सीन था वो तो। रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बैटर्स में से एक, दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक, दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक, सर उसकी टीम वर्ल्ड कप जीतती है, वहीं जमीन पर गिर कर रोना शुरू हो जाता है। विराट कोहली जिसकी बैटिंग की मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, वो इतना लेजेंडरी बैट्समैन है, वो आप देखें रो रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली एक दूसरे को ग्राउंड में नहीं मिल पाए, वो मिले एक दूसरे को ड्रेसिंग रूम की स्टेयर्स के पास, और एक दूसरे को देखकर वो जनाब गले मिले और वो वहां पर दोबारा रोना शुरू हो गए। इमोशनल तो पहले ग्राउंड में हो गए थे ना, लेकिन जब एक दूसरे को गले लगाया तो वो नहीं इमोशंस रुके, रो रहे हैं। हार्दिक पांड्या जिसने लास्ट दो ओवर बेहतरीन किए टीम इंडिया को जिताने में, जिसकी बॉलिंग का बहुत बड़ा रोल है, वो रो रहा है, धाड़े मार मार रो रहा है वो। उसने तो प्रेजेंटर को जब ग्राउंड में उसके पास आई है कि आपका इंटरव्यू करना है, उसने कहा अभी रुक जाए, मैं ज़रा सिंक इन होने दे मुझे, ज़रा अपने आप के साथ, अपने वजूद के साथ, अपने इमोशंस के साथ, फिर मैं आपको देता हूँ। फिर बाद में उसने नासिर हुसैन को किया इंटरव्यू, शॉर्ट सा दिया, और उस इंटरव्यू के दौरान अनबिलीवेबल जो बात थी वो पता क्या थी, रोहित शर्मा आउट ऑफ नोवेयर आता है, हार्दिक पांड्या को किस करता है यार, द एंड। वो जो मुंबई इंडियंस का जितना खाता माता था खत्म हो गया, ये उसका द एंड हो गया, खत्म। अब क्या लड़ाई होगी, अब क्या होगी, जब भी आप लड़ाई करने का सोचेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर, आपको ये सीन याद आ जाएगा, आप चुप हो जाएंगे कि यार खत्म हो गया गुरु, द एंड, दफा करो, अब एक नई बिगिनिंग है। वो सिराज वो रो रहा है यार, जो जूनियर प्लेयर्स हैं ना उनकी समझ में आती है, सिराज पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, यंग लड़का है, नई इमोशंस कंट्रोल हुए, फॉर दैट मैटर कुलदीप कर ले, पटेल कर ले, ये जितने यंगस्टर्स हैं टीम इंडिया के, इन सब का रोना समझ में आता है। और पे वो जो खांगड़ है वो देखो ना, द वॉल ऑफ इंडिया इमोशनल, राहुल द्रविड़ हेड कोच, रोहित शर्मा वो रो रहा है, विराट कोहली रो रहा है, आप यंगस्टर्स को क्या कहेंगे फिर, उन भी वो तो बेचारे वैसे ही खुशी के मारे पागल हुए पड़े होंगे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई मौका देखा ही नहीं होगा, टीम इंडिया के जितने यंगस्टर्स हैं। अब वर्ल्ड कप के सामने है, कोई आईपीएल की ट्रॉफियां वो तो नहीं मैटर करती, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप है, और प्लस आपके वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से पहले आपके अंदर 100 किस्म के डर होंगे, 100 किस्म के खौफ होंगे, आपकी एक पूरी लेगेसी भी पीछे आ रही है 2013 के बाद से, कि आप आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं उठा पा रहे, अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद, हर इवेंट में एज ए फेवरेट एंटर होने के बावजूद, कभी आप सेमीफाइनल हार जाते हैं तो कभी फाइनल हार जाते हैं। तो भैया वो इमोशंस जो हमने देखे वो बिल्कुल 100% समझ में आते हैं। जीत बहुत बड़ी है, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये बुनियादी तौर पर यूं समझेंगे 2013 के बाद से जिम्मेदारियों का एक बोझ था जो ये लड़के अपने कंधों पर डालकर फिर रहे थे और मौका ढूंढ रहे थे कि कब वो बोझ उतार दें किसी तरीके से। आज का वो दिन है सरकार, आज वो दिन है कि टीम इंडिया के लड़कों ने वो बोझ उतार दिया अपनी कौम के सामने, अपनी नेशन के सामने, कि हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। वर्ल्ड कप जीत गया वो T20 इंटरनेशनल का, बहुत बहुत इमोशनल सीन्स थे यार। आपको ना आपको पता चलता है कि ये इमोशंस आपको बताते हैं कि इस टीम में यूनिटी कितनी है, और यूनिटी के बगैर आप किसी भी स्पोर्ट्स को जिसे कहते हैं ना नहीं पेल सकते भाई। यूनिटी है 11 लड़कों की, वो एक यूनिट बनकर उतरेंगे तो ही आप मैच जीतेंगे। ये इंडिया की यूनिटी ही थी जिसने 4 ओवर्स के बीच में पूरी गेम चेंज कर दी। 17वें ओवर से पहले
95% साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप टाइटल होल्डर बन गया था 17वें ओवर से पहले, क्योंकि 17वें ओवर से पहले जो ओवर लगाए वो 24 रन का लगाए और बेस्ट स्पिनर में से एक को लगाए, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसे लगता था कि द एंड हो गया फॉर टीम इंडिया, अनदर फाइनल उसकी, अनदर डिफीट। लेकिन नहीं, फिर पांड्या आता है वो ओवर करता है, फिर बुमराह आता है वो ओवर करता है, फिर रशदीप आता है वो ओवर करता है, फिर पांड्या आता है वो ओवर करता है, और उन चार ओवर्स में टीम इंडिया ने जो कमबैक किया है हिस्ट्री बुक्स में लिखने वाला है, हिस्ट्री बुक्स में। चार ओवर्स में इन्होंने 25-26 रन नहीं बनाने दिए, आधी टीम पड़ी हुई थी साउथ अफ्रीका के पास, चले वो आप उनको चोकर्स कह ले जो मर्जी कह ले, बट यार बहुत इमोशनल सीन्स थे, बहुत इमोशनल। विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया उनका लास्ट वर्ल्ड T20 था, इसके बाद विराट कोहली T20 इंटरनेशनल्स में अब आपको नहीं नज़र आएंगे, उनका हो गया दी एंड कर दिया उन्होंने आज के, बस ख़त्म। अब यंग लॉट, अगली जनरेशन वो बोझ उठाए। ये इमोशनल विक्ट्री, ये जितने भी इमोशंस हैं, ये सारे के सारे डेडिकेट मेरा ख्याल है अगर किसी को किए जा सकते हैं तो वो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं। रोहित शर्मा का मैंने एक फुटेज देखा जिसमें वो मतलब जो आपको पता है इस तरह शुक्र, मतलब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं अपने फैंस को, और रोहित शर्मा का तो एक वही जिसे कहते हैं फुटेज आपको बता देता है कि यार उसके लिए अपने फैंस की, अब ये जो जीत उसने डिलीवर की है अपने फैंस को ये कितनी बड़ी है और कितनी जिसे कहते हैं ना बड़ा मानी रखती है। तो कमाल यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग आउट ऑफ वर्ड्स कर दिया, मेरे जैसे बंदे को आउट ऑफ वर्ड्स कर दिया है जिसके बारे में कहते हैं कि वर्ड्स में थे यार। वो इमोशंस बड़ी कुत्ती चीज़ है यार, आप अपने दोस्तों यारों को जब इमोशनल देखते हैं, अपना तो प्यार बना हुआ यार, मोहब्बत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, दीन धर्म से ऊपर हो चुके हैं, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि कोई कभी गलत नहीं कहा, कभी गालम गलूच, नथिंग बट सो एवर। तो अब मैं सोचता हूँ ना जब उनके बारे में कि यार अभी उस टाइम वो कितने खुश होंगे वो सारे मेरे जितने भी इंडियन यार दोस्त हैं, क्रिकेट फैंस हैं, आई फील गुड यार, मुझे खुशी है उनके लिए कि वो खुश होंगे अभी अपने अपने घरों में या जहाँ कहीं भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, करें, दिस इज़ योर डे, खुल कर सेलिब्रेट करें। 10-11 साल आप लोगों ने वेट किया, बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है। सो मेरी तरफ से आप सबको थम्स अप, ये इमोशंस, ये इमोशनल विक्ट्री, आप सबकी जीत, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, वेल प्लेड, और थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस ऑल क्रिकेट फैंस। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।